लो जी, क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों की होने वाली बल्ले बल्ले, अब बिल्कुल अब की बार 90 पार के मिशन का यहां से बेहतरीन सा एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए आ गया है। यहां से देख सकते हैं सेट सी का आज अपन विज्ञान के पेपर के लिए सोल्व करेंगे बढ़िया से, है ना। यहां से देखेंगे तो ये देखिए एसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है और दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं उसे कहते हैं संयोजन, और ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा उत्पन्न करने वाली को। तो ये उपयुक्त दोनों उदाहरण है ना। देखिए धातु का एक जो गुण होता है ना वो आघात वर्णिता का गुण भी होता है, तन्यता का गुण भी होता है, उसमें चालकता का गुण होता है, ध्वनिकता का गुण होता है। पर अब यहां पर बोल रहा है कि पतले तारों से धातु जब खींची जा सकती है उसे अपन कहते हैं तन्यता। किसी कठोर सतह से पीटते हैं तो धातु ठीक है आवाज करती है उसे कहते हैं आघात वर्धिता ध्वनि, ठीक है ये चादर के समान फैल जाती है सॉरी, तो उसे कहते हैं आघात वर्धिता। और ध्वनिता किसे कहेंगे अपन कि जब धातुओं को किसी ठोस सतह से टकराती है तो वो ध्वनि उत्पन्न करती है, ठीक है। और करंट आता तो उसे कहते हैं चालकता। यहां से पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि का नाम दिया गया है। हिपेटाइटिस रोग जो है ना ठीक है ये मैथुन द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है, बाकी सब फैलते हैं। यहां से या तो समतल या उत्तल जाएगा। बढ़िया से सॉल्यूशन दे रहा हूं, आप तो घबराइए मत, मैंने वादा किया है आपसे कि बिल्कुल बेहतरीन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको दूंगा, तो दे रहा हूं विद सॉल्यूशन। बढ़िया पढ़ो, मेहनत करो, किसने कहा आप नहीं बना सकते हो। अरे ये बच्चे भी ऐसे ही थे, इनको भी लगता था कि ये 50-60 के लाया गया। मैंने आप वादा किया कि इतनी परसेंट बनवाऊंगा तो बनाएंगे बनाएंगे। यहां से देखिए ये बच्चे यहाँ से 96, चलिए 96 वाले नहीं बनाओगे तो 90 से पार तो चलोगे चलोगे। बढ़िया से कंप्लीट तो करो, मेहनत करो, अलग से पढ़ो, कहीं से पढ़ो, कोई हमी कलेक्टर नहीं साहब हमारे पास, पढ़ो अलग से भी पढ़ सकते हो कहीं से भी, पर मेहनत करना मत भूलिएगा। अब है रिक्त स्थान, क्षारक लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, क्षारक जो होते हैं ना लाल को नीला कर देते हैं, कैसा कर देते हैं लाल को नीला। शरीर में उपस्थित अपशिष्ट हानिकारक एवं विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं उत्सर्जन, उत्सर्जन। क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है, अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाएं क्या है, मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। मनुष्य के व्रसन में डिडिडेस पाए जाते हैं, मनुष्य के जो व्रसन में व्रसन कोष पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं व्रसन कोष। पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने वाले लक्षण अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। यहां से देखिए लेंस जो है उत्तल लेंस है, सॉरी उत्तल लेंस नहीं रहेगा अवतल लेंस रहेगा ना, अवतल लेंस। और दर्पण में उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण पर हमेशा छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। यहां से देखिए अब हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है वो बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। यहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है भैया हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। मेंढक, मेंढक क्या है, मेंढक जो है ठीक है मेंढक का आपका आ जाएगा। तो देखिए मेंढक जो है एक मांसाहारी जीव है। हीरा, हीरे का आ जाएगा कार्बन का अपरूप। स्वापोषी पोषण, स्वापोषी पोषण क्या है आपका, स्वापोषी पोषण जो रहेगा वो आपका हरे पौधों में होगा। नर युग्मक, नर युग्मक का जाएगा व्रसन, सॉरी नर युग्मक का शुक्राणु आ जाएगा, है ना। और विद्युत का जो सामर्थ्य मात्रा के वो किलोवाट है ना बड़ा पैमाने पर, ठीक है वैसे वाट रहता है पर किलोवाट अपन बड़े पैमाने पर रखते हैं ना, तो इतने किलोवाट का ये है। कार के स्क्रू का नियम किसने दिया था, तो मैक्सवेल ने लिया था, ठीक है भैया आप बढ़िया से इसे कंप्लीट कर लेना है। और यहां से बात करें अपन तो यहां पर देखिए ये छठा रहेगा और यहां पर छठा रहेगा और ये मांसाहारी वाला नॉन वेजिटेबल ये आपका पहला रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक वाक्य में उत्तर है। दो विलयनों को मिलाने पर एक अविलेय पदार्थ बनता है, उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अविलेय को अपन कहते हैं अवक्षेपण, अवक्षेपण।
कौन सी धातु आसानी से संचरित नहीं होती? सोना यानी गोल्ड, तो एक पादप हार्मोन्स का नाम उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है, ऑक्सिन, मनुष्य के अंडाणु, मनुष्य में अंडाणु जनन की क्रिया कहां होती है? अंडाशय में। लिंग निर्धारण के लिए लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र को क्या कहते हैं? तो लिंग गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग गुण सूत्र। अब यहां से देखिएगा, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताना। क्या कहते हैं अपन? फोकस दूरी बराबरी पे होता है आर बाई टू, या करके आप लिख सकते हैं आर इक्वल टू एफ। ठीक है, फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है? आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, जैसे भी बोलना चाहो। ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। यहां से देख लीजिएगा आप, ठीक है, हो गया। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। निकट, सही बात है, निकट का अवतल लेंस आएगा, है ना, तो ये आपका सत्य रहेगा। CH3OH एक क्षार है, चूंकि OH उपलब्ध है, ठीक है, OH होता है रिनायन, है ना। अब ये OH हाइड्रोजन की सांद्रता होगी, ये रिनायन के लिए ही रहती क्या? ये धनायन के लिए रहती है, तो यहां पर भाई सभी आपका असत्य रहेगा। बाया नीले ऑक्सीजन जनित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में प्रेषित करता है, ये आपका सत्य रहेगा। आई इक्वल वी आर अर्थात विद्युत धारा इक्वल विभवांतर इनटू प्रतिरोध, ये आपका सत्य रहेगा। सॉरी गलत हो जाएगा, ये असत्य रहेगा, है ना, असत्य। क्यों? क्योंकि V इक्वल होता है आई आर, क्या होता है? V इक्वल आई आर, हो गया। यदि हम V का मान निकालेंगे तो R बटे में आना चाहिए। विद्युत उपकरण श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। और अंत में निकट की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाना निकट दृष्टि दोष है। देखिए नाम उल्टा है, निकट दृष्टि दोष है तो दूर की देखेगा, नहीं देख पाएगा, है ना, निकट के तो बिल्कुल देख पाएगा, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा। ये देखिए अपघटन या वियोजन अभिक्रिया से क्या आप क्या समझते हैं? ये जो प्रश्न है, ठीक है, ये अपनी एक ऑफलाइन कोचिंग है, बच्चे वहां पर लिख रहे हैं, एक दिन या दो दिन ज्यादा ज्यादा लगेंगे, पूरा आपको दे देंगे। अच्छा बाद में आप वीडियो देख रहे हो तो जब तक तो ये कभी का हो जाएगा, है ना, तो आप जाकर देख सकते हैं, है ना, वीडियो में जब तक तो वीडियो डल चुका होगा तो एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना। अच्छा अपनी ऑफलाइन कोचिंग है, ऑफलाइन का रिजल्ट देख लीजिए आप, ये ठीक है। तो आप चाहते हैं कि हमें भी अच्छे नंबर आए तो आप ये पेपर जरूर करिएगा, 6 पेपर है, ABCDEF। संचारण से को परिभाषित कीजिए, संचारण से सुरक्षा के 2 तरीके, धातुओं के भौतिक गुण बताने हैं, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, मनुष्य के दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यहाँ क्यों आवश्यक है, ऋतु स्त्राव या रजोधर्म किसे कहते हैं, स्वपरागण परपरागण में अंतर, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण किने कहते हैं, गुणसूत्र किसे कहते हैं, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, आवर्धन किसे कहते हैं। ठीक है भैया, चलिए यहां से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, गोली दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए, और विद्युत परिपथ में उपयोगी 4 अवयवों के प्रतीक बनाइए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को परिभाषित करिए, विद्युत चुंबक क्या होती है, विद्युत धारा परिपथों में उपयोग में लाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, यहाँ से जैव और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ उपभोक्ता किने कहते हैं उदाहरण दीजिएगा। ठीक है भैया, इसके बाद में ये यहाँ से है समावयवी एवं समावयवता से आप क्या समझते हैं, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसके औद्योगिक अनुप्रयोग, संयोजन अभिक्रिया अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया उदाहरण सहित, विस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है ये देख लीजिएगा, थायरोक्सिन, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र व्याख्या कीजिए, ग्रह नहीं टिमटिमाते, मानव नेत्र का नामांकित चित्र आपको बताना है। ठीक है, यहाँ से देखिए लवण किसे कहते हैं, लवणों के नाम बताना है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 है।
अपघटन या वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इसके बाद में श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। संचारण को परिभाषित कीजिए तथा संचारण की सुरक्षा के दो तरीके यहां से देख सकते हैं। जे अर्थवायक धातुओं के भौतिक गुण लिखिए। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है स्पष्ट कीजिए। ये यहां से क्वेश्चन नंबर ये 9 है। स्वपरागण और परपरागण में अंतर आपको बताना है। हो गया, ये स्वपरागण और परपरागण में अंतर इतना हो चुका है। यहां से क्वेश्चन नंबर ये 4 है। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर जो 10 है, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण किन्हें कहते हैं। इसके बाद में गुणसूत्र किसे कहते हैं, यहां से क्वेश्चन नंबर 11 है। ये इसका थवा है। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 रहेगा। यहां से देखिए, विद्युत विभव किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। ये इसका अथवा है। यहां से विद्युत चुंबक क्या होती है, इसके बाद में ये इसका अथवा। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करना है ना भैया, जितना मैं बता रहा हूं आपको। 6 पेपर दे रहे हैं अपन, 6 कितने, 6 पेपर और विथ सॉल्यूशन इसी तरह से, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, 6 पेपर अलग अलग है, बहुत सारे रिपीट एक दूसरे में है ना भैया। बिल्कुल, आप तो जिन बच्चों को अच्छे से तैयारी करनी है ना, बिल्कुल कंप्लीट कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, ये छूट गया भैया आप, ठीक है। एक बार सर्च करोगे जिसमें मिल जाएंगे प्रश्न होने, ये कोई दिक्कत नहीं है। संयोजन और रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। ये हो गया रेडॉक्स अभिक्रिया। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर, ये यहां से। देश का थवा है यहां पर। ये क्वेश्चन नंबर 19,